कर्नल वीएच सिसोदिया व सूबेदार एआईजी लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की नौवीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलियेटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दरबा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टेक्ट नंबर 9992571111, 8929551111। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं dishadknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा में नगर परिषद में। इस वक्त मैं मौजूद हूं, मेरे साथ पूरे शहर के प्रॉपर्टी डीलर हैं, क्योंकि आज प्रॉपर्टी डीलरों ने यहां नगर परिषद के, ये कहूंगा कि चेयरमैन ऑफिस है उसके बाहर जो है धरना लगाया है, नारेबाजी की है। और जो कहना ये है कि जो यहाँ पे अधिकारी है वो अपनी मनमानी करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स जो अपने कामकाज को लेकर के यहाँ पे आते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री होने से पहले जो तमाम जो कार्रवाई होती है वो नगर परिषद से होती है, और यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो नहीं मिलते हैं, या मिलते हैं तो तमाम जो बहानेबाजियाँ करते हैं और उनको कई कई चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके साथ जो संबंधित जो पोर्टल है वो भी जो है कई दिन से जो है नहीं चल रहा है, उसको लेकर के हमारे साथ तमाम जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि क्या ये पूरा मामला, सर क्या ये पूरा मामला है जिसको लेकर के आज जो है प्रॉपर्टी डीलर है वो धरने पे बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। मैं राजेश कुमार, प्रॉपर्टी डीलर। हम लगभग 3 महीने से कंटिन्यू यहाँ आ रहे हैं पोर्टल के ऊपर, कभी नाम चढ़वाने के लिए, कभी नया आईडी नंबर लेने के लिए। जब नया आईडी नंबर लेने के जाते हैं, हम फाइलें देते हैं, पता नहीं लगता उसके बाद ये फाइलें हमारी जाती कहाँ हैं। जब भी पूछते हैं ये ऑनलाइन चढ़ेगा या उसके द्वारा, ड्रोन के द्वारा चढ़ेगा, जब यहाँ के जो नंबर चढ़ाते हैं यहाँ के जो एम्प्लाईज हैं और उसके ड्रोन वाले नंबरों में दिन रात का अंतर है, जिसके लिए हमें जो है ना रजिस्ट्री कराने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद दूसरा इन्होंने ये चलाया भी, ये ULB पर भी चढ़ेगा, जिसके लिए ULB पर चढ़ाने के लिए हमें बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर जब तक ULB पर वो नंबर नहीं चढ़ेगा, उस टैक्स नंबर, रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। अब पिछले दिनों सरकार ने ये 15-20 दिन से लगभग बिल्कुल ही बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ सैकड़ों फाइलें इकट्ठी हो चुकी हैं। अब जो लेन देन होता है वो रुका हुआ है चारों तरफ से, लेकिन जब भी आते हैं, मैं ये ईओ साहब बैठे हैं, कोई साबित कर दे 2 महीने के अंदर, हम ईओ साहब की शक्ल भी नहीं देखी, वो है कहाँ पर, वो कोठी में, हमें यहाँ पूछते हैं। अब ये भी तसल्ली हो जाए भी वो छुट्टी पर हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ उनकी हाजिरी लगती है, बट ये ऑफिस के अंदर नहीं बैठते, ये घर बैठ के काम करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी सुनवाई करेगा कौन यहाँ पर, ये बताओ। ऑफिसर तो यहाँ ईओ है, मैं समझता हूँ यहाँ जो मान लो कमिश्नर हैं तेतरवाल जी, हम उसके पास भी पिछले हफ्ते गए थे 10 दिन पहले, लेकिन वहाँ भी हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पड़ा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर सभी प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन यहाँ खड़े होकर के आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये आज या कल के अंदर हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी डीलर्स सरसा एसोसिएशन और सारा शहर सड़कों पर आ जाएगा। सर, मैं अशोक कुमार, प्रॉपर्टी डीलर हूँ, और काफ़ी समय से हम यहाँ पे काम के लिए चक्कर लगा रहे हैं। हमारे प्रॉपर्टी आईडी नंबर जो है ULB पोर्टल पे अपडेट नहीं किए जा रहे हैं, हम धक्के खा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ईओ साहब के पास आते हैं, वो ऑफिस में मिलते नहीं हैं, जब कर्मचारियों से पूछे बोले ये वो तो कोठी पे हैं, तो आम आदमी वहाँ कोठी पे कैसे जा सकता है, वो कोठी पे कैसे बैठे हैं, ड्यूटी हैं, ऑन ड्यूटी हैं, हमें क्या मालूम, हम तो यहाँ दफ्तर में ही आएंगे। ठीक है, ये अब कुछ दिन से ये हमारे डीलर भाई हैं, उन्होंने ये डेवलपमेंट चार्ज जो है, ये मेरे पास प्रूफ है, 15/12/2020 का भरा हुआ है। ठीक है जी, और ये आप पोर्टल पे द्वारा शो कर रहा है कि ये डेवलपमेंट चार्ज भरा जाए, जबकि ये हमारे पास रसीद है, प्रूफ है। ठीक है, तो ये सब करेक्शन कराने के लिए, इसको सही करवाने के लिए छोटे कर्मचारी मिलते हैं, वो कोई सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते। ईओ साहब के पास आते हैं, वो दफ्तर में हमारे को मिलते नहीं है, तो हमें इस प्रकार की कई परेशानियाँ हैं। तो आज इस परेशानियों से तंग होकर, आखिर बिल्कुल तंग होकर, इस भरी घर दोपहर में गर्मी में हमें धरना देना पड़ा। हमारे साथ हो रही परेशानियों का एक उदाहरण मैं खुद का देता हूँ, जो मेरा खुद का पर्सनल एक रजिस्ट्री थी, जो मैंने अपडेट करने के लिए 2 महीने, मतलब किस किस के पैरों को हाथ भी नहीं लगाया कमेटी में आगे, मतलब वो काम करने के बाद 2 महीने के बाद ईओ साहब के बड़ी मुश्किल से तो साइन हुए, उसके बाद जब फाइल लेने के लिए आया तो वो फाइल ही इन्होंने गुम कर दी, उसके बाद कहते फाइल ही गुम हो गई, तब नए सिरे से दोबारा फिर प्रोसेस शुरू हुआ, फिर दोबारा फाइल बनी, फिर दोबारा 1.5 महीने बाद ईओ साहब के साइन हुए हैं। ऐसे ऐसे हमें खुद को परेशानियाँ आ गई, हमारे जो कस्टमर हैं उनको और बहुत ज़्यादा परेशानी होती हैं, सभी का लेन देन रुका हुआ है, परेशानी में सब चल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सिरसा प्रॉपर्टी एसोसिएशन की तरफ से प्रमोद जी आपका यहाँ पे पहुँचने पे स्वागत करता हूँ। यहाँ नगर परिषद सिरसा में पिछले काफ़ी टाइम से बहुत धांधलियाँ चल रही हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुँच चुका है।
पिछले साल जयपुर की एक कंपनी को 40 लाख रुपए का ठेका दिया गया था प्रॉपर्टी आईडी सर्वे करवाने के लिए, जबकि वो प्रॉपर्टी आईडी सर्वे उन्होंने ड्रोन के माध्यम से किया, सर्वे नहीं किया, उसमें टोटली रोंग है। उसके खिलाफ 2000 से ज़्यादा कंप्लेंटें दर्ज हो चुकी हैं भाई। उसके अंदर कोई भी किसी का रकबा कम बोल रहा है, किसी का नाम गलत बोल रहा है, किसी की प्रॉपर्टी खैरपुर में है बस स्टैंड पे दिखा रहा है, टोटली वो रोंग सर्वे हुआ। हमारी ये भी मांग है कि किस अधिकारी के कहने पर उस कंपनी को 40 लाख रुपए की पेमेंट की गई, जब भी सभी को ये पता है भी वो सर्वे रोंग हुआ था। पिछले दिनों जब नगर परिषद की चेयरमैन रीना सेठी जी बनी तब भी ये मुद्दा उठा, तब भी उन्होंने कहा जी हम इसकी तहकीकात करवाएंगे, इंक्वायरी करवाएंगे, भी किस अधिकारी के कहने पे ये 40 लाख रुपए का जो ठेका था वो पास किया गया, उनको पेमेंट की गई, जबकि ये सर्वे रोंग हुआ है, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके अलावा यहाँ पे पिछले दिनों सरकार ने एक ऑर्डर किया था भाई यूएलबी पोर्टल के ऊपर जब अपडेट होगा तभी आपकी रजिस्ट्री हो पाएगी, तो यूएलबी पोर्टल पे अपडेट करवाने के लिए पहले एक ही फाइल लगती थी जो हाउस टैक्स नंबर के लिए और यूएलबी पोर्टल पे होती थी, फिर इन्होंने फाइल अलग अलग कर दी। अलग करने के बाद इनके खुद के कर्मचारियों ने खूब भ्रष्टाचार किया, यहाँ पर पैसे खा खा के जीरो कर देते थे, वारिस्टी हो जाती थी, अगले दिन डेवलपमेंट चार्ज बोल जाता था। उसकी भी इंक्वायरी अभी चल रही है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, मैडम संगीता तेतरवाल की तरफ से भी इंक्वायरी चल रही है। फिर इन्होंने क्या किया उसमें चेंजिंग करते हुए ईओ को अधिकारी बना दिया, अभी उसके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा तो वो फाइल अपडेट होगी, तो उसके बाद से ये काम बिल्कुल ठप हो गया। ईओ साहब यहाँ पर आते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, लोग आते हैं, डीलर आते हैं, व्यापारी आते हैं, आके धक्के खा के चले जाते हैं, कोई यहाँ पे सुनवाई करने वाला नहीं है। पता लगता है जी ईओ साहब आए हुए हैं कोठी में बैठे हैं, तो भाई तू कोठी में बैठा है तो कोठी में अगर तूने काम नहीं करना तो तू कोठी में बैठा तनख्वाह किस चीज़ की ले रहा है? हम डीलर व्यापारी लोग हैं, ग्राहक हैं, वो हाउस टैक्स भरते हैं, डेवलपमेंट चार्ज भरते हैं, तब तेरे को तनख्वाह मिलती है, तब तेरे नीचे गाड़ी चलती है, तो यहाँ पर तू आके अगर तेरे को नगर परिषद इतनी बुरी लगती है तो यहाँ पर आके बैठना भी गवारा नहीं समझता, अपनी कोठी में बैठना गवारा समझता है, तो भाई रिलीव ले ले, कोठी में बैठ के काम नहीं होंगे, अगर यहाँ पे आके काम करना पड़ेगा, अगर कोठी में बैठ के काम करना है तो लीव ले ले। तो हमारी सरकार से ये मांग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारी जो प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन है या व्यापारी है या आम लोग हैं वो इतने तंग आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई शहर का वाली वारिस नहीं है। लोगों ने गोपाल कांडा को विधायक चुना था, लेकिन वो विधायक ना होकर, जनता का प्रतिनिधि ना होकर एक व्यापारी बन के बैठा है, वो सभी को पता है। फिर जो हमारे एमसी प्रतिनिधि चुने गए थे उन्होंने चेयरपर्सन सुनी भाई हम यहाँ का काम सुधार करेंगे, लेकिन वही डाल के तीन पात, कोई सुधार नहीं हुआ। उसके बाद जब भी यहाँ पे आते हैं यहाँ पे ना कोई अधिकारी सुनने के लिए मिलता है, ना कोई कर्मचारी सीधे मुझे जवाब देता। तो हमारी सरकार से ये मांग है इस सिस्टम को सुधारा जाए और इसको अपडेट किया जाए ताकि लोग अपना अपना काम सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद। ऐसा कहना चाहेंगे, छः छः महीने से ख़राब हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं कह सकते, साढ़े तीन महीने, चार महीने, पाँच महीने से पहले कुछ भी काम नहीं होता। इनकी मिन्नतें कर करके, हाथ जोड़ जोड़े प्रार्थना करके घर तक जाके आते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। बस ये हमारी प्रार्थना है कि हमारा काम किया जाए ताकि हम रजिस्ट्रियाँ करवा सकें। व्यापारी जो बेचता है मकान या पुराण बेचता है उसको तो घर बैठा है, लेने वाला कहता तुम अपने काम जानो, खराब कौन होता है? दलाल, दलाल को परेशानी होती है क्योंकि सौदा उसी ने करवाया होता है, वो भी डंडा देता है, वो भी डंडा देता है, हम परेशान होते हैं, हमारी परेशानी दूर की जाए। धन्यवाद। तो आपने सुना, क्योंकि पूरे शहर के प्रॉपर्टी डीलर हैं वो आज नगर परिषद में धरना लगाए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं ईओ के खिलाफ कि अधिकारी यहाँ पर नहीं मिलते और कामकाज के लिए बार बार चक्कर कटवाते हैं और भ्रष्टाचार का भी बड़ा खेल यहाँ पे खेला जा रहा है। तो इस चैनल के माध्यम से हम सरकार को ये कहना चाहेंगे कि इन शहर के जो ये तमाम जो लोग हैं प्रॉपर्टी डीलर हैं इनकी जो है आवाज़ सुनी जाए ताकि इन अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन लोगों की आवाज़ सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।